सो हाय फ्रेंड, कैसे हैं? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए आपको लाइटिंग एंड डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लाइटिंग के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया है। सर्कल की मदद से आपको हम 3D ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना समझाऊँगा। तो यहाँ पर सर्कल है, सर्कल में हम ऊपर की ओर लाइटिंग होती है। आप अगर 3D ऑब्जेक्ट को रियल लाइफ में देखा होगा या फिर अपने बॉल को देखा होगा तो उसमें आप एक साइड से टॉर्च मार सकते हैं, उसके बाद आपको उसमें 3D लुक दिखेगा और वहां से आप देख कर इस तरह का 3D लुक आप ले सकते हैं। देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ किया है, उसके बाद मैंने उसकी जो शैडोज को ड्रॉ किया है। यहाँ पर उसके शैडो आप देख सकते हैं, नीचे की ओर है शैडो और लाइटिंग है वो ऊपर से है, तो उसी के लाइटिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शैडोज को ड्रॉ करेंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पेंसिल का यूज़ करके जो नीचे डार्क एरियाज है उसको ऑप्ट किया है। सिंपली आपको इसी तरीके से डार्क एरियाज को ऑप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको लेयर बाय लेयर इस पर शेडिंग करना है, इसके बाद आपको इरेज करना है जहाँ पर लाइटिंग आ रही है। ठीक है, ऊपर की ओर जो लाइटिंग है ऊपर से आ रही है तो आपको ऊपर वाले हिस्से को सेट नहीं करना है, वहाँ पर आप खाली स्थान छोड़ देंगे जिससे कि आपका जो फिगर है वो उभरा लगे और आपको प्रतीत हो कि लाइट जो है ऊपर से आ रही है। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही हो रहा है, तो मैं अपने माइंड में कुछ इसी प्रकार की इमेज को बनाता हुआ इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको भी इसे ड्रॉ कर लेना है। तो देख सकते हैं, यहाँ पर जो सर्कल है वो ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद अभी हम आपको सिलेंडर को ड्रॉ करना बताएंगे कि वो आप कैसे 3D ऑब्जेक्ट या फिर 3D लुक ला सकते हैं। तो देख सकते हैं, यहाँ पर हम सिलेंडर को बना रहे हैं। सिलेंडर को बनाने के बाद यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे। सेट करने के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैं लाइटिंग लिया है वो ऊपर की ओर है। जब लाइटिंग ऊपर की ओर होती है तो जस्ट उसके अपोजिट शैडोज बनती हैं, तो सेम वही टेक्निक यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो यहाँ पर लाइटिंग जो है राइट से ऊपर की ओर है और उसकी शैडो जस्ट अपोजिट होती है, तो जस्ट अपोजिट हम पेंसिल का यूज करके उसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद उसे हम ब्लेंड करेंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कोई वीडियोज को देखते हैं तो आप उससे सीखना चाहते हैं, लेकिन जो अगर आप ट्यूटोरियल के वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप ड्राइंग को नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ट्यूटोरियल में ही सारा कुछ होता है। आपको ड्राइंग उसमें अच्छे से अच्छे तरीके से करना बताया जाता है, तो आप ट्यूटोरियल के वीडियो को ज़रूर देखें एंड साथ से ही साथ उसकी ड्राइंग को भी देखते रहिए। लेकिन ट्यूटोरियल के वीडियो को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ड्राइंग्स के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट को जो है ड्रॉ कर दिया है सिलेंडर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें लाइटिंग आ रही है और इसमें डार्क एरियाज को देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्ट किया हुआ है। एंड आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। तो होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप और भी डिफरेंट टाइप की ट्यूटोरियल की वीडियो देखना चाहते हैं, आइज़ की, नोज़ की, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वो सारी मिल जाएंगी। हम इसमें प्लेलिस्ट में डाल देंगे जिससे आप वहाँ से देखकर अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट दिन न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।